फिर सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कॉलेज में। देखिए अभी पार्किंग में खड़ा हूं। तो गाइस अभी मेरे दोस्त ने बताया कि कॉलेज में प्रोग्राम है, वहां पे जाना था, चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कॉलेज में। देखिए अभी पार्किंग में खड़ा हूं। तो बस अभी मैं कॉलेज में जा ही रहा था, पर मेरा दोस्त अभी आया नहीं है, तो उसकी देर ना देख रहा था। तो बस वो आता है इसलिए अभी कॉलेज में जाता है, और क्लास में अभी जाना नहीं है। तो मेरे को पता नहीं कितने बजे जाना है, वो अभी तक मैंने टाइम टेबल को देखा नहीं है। तो बस अभी वो आए, बाद में चलते हैं अपने क्लास में। तब तक आप लोग पार्किंग का व्यू एक बार देख लीजिए, कैसे खचाखच मतलब भरी हुई है हमारी पार्किंग अभी। ये देखिए गाइस, मतलब पूरा देखिए पूरा अभी पार्किंग मतलब थोड़ा थोड़ा खाली है, और थोड़ा मतलब पूरा ही मतलब भरने को आया है। और मैंने बाइक रख दी अपनी सेफ जगह पे, तो अभी मैं वही देख रहा हूँ कब का। तो अगर कोई और जगह खाली मिले तो उधर रख दूँ, क्योंकि इधर से भी मतलब निकालने में प्रॉब्लम तो होने ही वाली है बाद में, क्योंकि पूरा ही भर जाता है। आपको बताइए पार्किंग में मतलब जो पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि पार्किंग में मतलब बाइक रखना मतलब क्या ही होगा। तो इसलिए अभी रखिए दादा, देखते गाइस अभी चलते हैं कॉलेज में। टाइम हो चुका है, मेरा दोस्त भी आ चुका है, तो चलिए चलते हैं तब तक कॉलेज में, फिर गेट पे मिलते हैं। तो गाइस आज हमारी कॉलेज में प्रोग्राम है, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे ऑडिटोरियम रूम में, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम है तो ऑडिटोरियम रूम में ही होगा कोई भी फंक्शन। तो बस चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है फंक्शन, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं कॉलेज जाके आ चुका हूँ वापस, और मतलब दो बज चुके हैं अभी आते आते मेरे को, क्योंकि मैं उधर बहुत ज़्यादा पार्किंग में रस था, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया कॉलेज में। फिर तो वीडियो सिर्फ शूट कर लिया, वो आपको मतलब देख लेंगे आप, और वॉइस ओवर कर दूंगा बाद में, वो तो मैं एडिट करते टाइम। तो मतलब यार कॉलेज में मतलब रस बहुत ज़्यादा, मेरे को मतलब आदत नहीं है ना व्लॉग करने, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मतलब मैं ऐसे कैमरा पकड़ता ना, मोबाइल पकड़ता ना, सब लोग मेरे को देख रहे ये क्या कर रहा है। तो मतलब इसीलिए अभी मतलब कॉलेज में थोड़े दिन मतलब सेट होने में टाइम लगेगा, बाद में उधर भी ब्लॉग आने अपना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, तब तक आप मोटो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो गाइस कैसे हो, मैं कॉलेज जाके आ चुका था अभी, और मतलब मैं आया था छत पे अपना ब्लॉग एंड करने के लिए। तो मतलब अभी अभी बारिश आके गई है, मतलब पूरा गीला गीला हो चुका है सब कुछ, तो इसलिए अभी इधर देखिए इधर आता घूंगा ना, तो अभी मतलब वाइट वाइट रंग छूटेगा, क्योंकि ये जो छत का कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब कच्चे वाला है। तो ऐसे मतलब ऐसे लगाते हैं ना हाथ इधर, तो ये देखिए गाइस पूरा मतलब उंगली वाइट हो चुकी है।
तो ऐसे मतलब इधर आके टेका भी नहीं ले सकते क्योंकि पूरा वाइट हो जाएगा कपड़ा। तो मतलब अभी देखिए कितना बढ़िया वाला है, इस तरफ मौसम हो रहा है और उस तरफ पावागढ़ भी मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है। मैं आपको पीछे से कैमरे से दिखाऊँ तो गाइज़ वो देखिए पीछे मतलब पावागढ़ ये आपको दिख रहा होगा इधर थोड़ा सा एकदम मतलब अभी तो मेरे आंखों से तो क्लियर दिख रहा है। हम देखिए बादल कितने मतलब अभी अभी बारिश का ही है तो मतलब पूरा मतलब बढ़िया वाला मौसम हो चुका है अभी। ये देखिए गाइस अभी बादल जा ही रहे हैं। आज मैं गया था अपनी कॉलेज अपना मतलब पढ़ाई करने के लिए पर पढ़ाई की ही नहीं क्योंकि आज तक कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम जिसमें मतलब अलग अलग कल्चर के लोग आते और क्लासिकल डांस करते म्यूजिक मतलब सिंगिंग मतलब अपना जो वो होता है ना जो हमारे में टैलेंट और टैलेंट्स होता मतलब बेसिकली जो उसमें हमारा टैलेंट हो ना वो हम बता सकते हैं अपना। तो मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम था तो मतलब उसमें हम गए थे आज दोस्त लोग मतलब लेक्चर थे पर हम लोग लेक्चर में नहीं गए और उधर चले गए थे प्रोग्राम में थे हमारे मतलब डेढ़ बज गए और डेढ़ बजे में वापस आ जाए घर पे। तो मतलब प्रोग्राम तो चल ही रहा था पर मतलब हमारी फैकल्टी वाले सब लोग निकल रहे थे तो हम भी निकल गए। तो बस इसीलिए अभी चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द जाके क्योंकि इस चैनल पे ऐसे क्रिएटिव व्लॉग्स आते रहते हैं। और मिलते हैं कैसे नए व्लॉग में, चलिए इंट्रो बोलते हैं और व्लॉग एंड करते हैं। जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा।